आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको टमाटर में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और सेप्टोरियम ब्लाइट के लिए कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज वीके थी। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रकार की टमाटर में पत्तियां हो जाती है, तो दोस्तों ये लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और सेप्टोरियम ब्लाइट, तीनों ब्लाइट एक साथ यदि आ रही है पौधे में तो आपको क्या स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों उसमें आप एजोस्टोबिन प्लस टेपिगोनाजोल कोई भी अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हो। इसको 20 से 25 ml 15 लीटर पानी में मिक्स कराकर आप साथ में स्टिकर और एक कीटनाशक रस चूसक कीटों के लिए आप मिक्स करा सकते हो और स्प्रे करा दें। इससे बहुत अच्छा आपको कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों एक और बात, झोल ग्रुप यदि आप स्प्रे करा रहे हो तो कम से कम 5 से 6 घंटे बारिश नहीं होनी चाहिए तो ही आप स्प्रे करवाएं, मौसम देखकर ही आप स्प्रे करें। दूसरा दोस्तों आप ले सकते हो BASF का आता है एक्रोबेट, साथ में इसके मेरीबॉन मिक्स कराकर आप स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों एक्रोबेट का डोज आपको रखना है 20 ग्राम प्रति पंप, 20 ग्राम आप 15 लीटर पानी में मिक्स करवाएं और 8 ml मेरीबॉन मिक्स करा लें और स्प्रे करा दें। दोस्तों कोई भी आपको कीटनाशक इसमें मिक्स नहीं कराना है और इसके साथ स्टिकर अवश्य मिक्स करवाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यदि ज्यादा अटैक है तभी आप एक्रोबेट मेरीबॉन का स्प्रे करवाएं क्योंकि इसमें आपको एक एकड़ में ज्यादा कॉस्ट जा सकती है। बाकी आप यदि बारिश नहीं हो रही है तो आप एजोस्टोबिन प्लस टेपिगोनाजोल वाला कोई भी कंपनी का टेक्निकल यूज करें और ये सस्ता भी पड़ेगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें करीबन आपको एजोस्टोबिन प्लस टेपिकोनाजोल में एकड़ पे 1000 से 1200 रुपए का खर्च आएगा और मेरीबॉन एक्रोबेट यदि आप स्प्रे करा रहे हो तो करीबन इसमें 2500 से 3000 के बीच आपको खर्च आ सकता है। इसलिए आप यदि बारिश नहीं हो रही है तो एजोस्टोबिन प्लस टेपिकोनाजोल का ही स्प्रे कराएं, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है ये वीडियो। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें नीरज वी खेती।